वो बनेगी जिसका आत्मा यही होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उस आत्मा को केंद्र में रख के ही नीति बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि इस धर्म के लोग हैं तो उनको तो फायदा मिलेगा, उस धर्म वालों को नहीं मिलेगा। ये बीजेपी को वोट मिलते हैं उस कॉलोनी में तो लाभ मिलेगा, बीजेपी को कभी वोट नहीं मिलता है वहां नहीं मिलेगा, ये नहीं चलेगा। पूरी दिल्ली का भाग्य बदलना है, और दिल्ली का भाग्य बदले बिना हिंदुस्तान का भाग्य नहीं बदलता है। 2003 में सर जब हमारा मकान बन रहा था तो हमारे मकान की छत तोड़ दी गई थी, और उस छत को तोड़ने पर जो पैसे मांगे जा रहे थे उसी की सदमे की वजह से मेरे पिता की मृत्यु हुई थी। आज अगर मैं कहता हूँ मोदी जी ने ये करा तो कम से कम मेरे बच्चे हैं 3, मैं उस मकान में जिसमें रह रहा हूँ मैं कम से कम सुकून से तो मर सकूंगा। आज मैं अगर 2 पैसे कमा के लाता हूँ तो मैं इस विश्वास के साथ तो चला जाऊंगा कि जो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ ये उसी में ही रहेंगे। जो हमें डर हमेशा लगा रहता था कि पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, क्या नहीं होगा, और हमारी कहीं भी कोई इज्जत नहीं थी कि ये अब तुम तो नौथराज कॉलोनी में रहते हो, प्रधानमंत्री जी ने इतना बढ़िया स्टैंड लिया, जो हमारे गले पे जो तलवार लटक रही थी उसको तलवार को हटाया नहीं बल्कि उठा के फेंक दिया है। तो हमें तो इसीलिए हम प्रधानमंत्री जी का आज धन्यवाद करने आए थे कि हम बहुत सुकून की सांस ले रहे हैं अब। आज हकीकत में जो अभी हम मकान मालिक बने, जो हमें अब अधिकार मिला, वरना हमें अपने मकान में रहकर भी ऐसा लगता था कि ये मकान हमारा है ही नहीं। शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि हम लोगों को दिल्ली में मालिकाना हक मिलेगा, क्योंकि मैं भी एक कच्ची कॉलोनी से आती हूँ बदरपुर मोड़बंद में, जहाँ पे की कच्ची कॉलोनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, पानी की, बिजली की, लोग कटिया का तार लगा कर लेते थे और रोड कच्ची थी और परेशानी बहुत ज़्यादा थी। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ सर कि जिस दिन ये लागू हुआ मैंने अपना घर उसी दिन लिया है, अभी 4-5 दिन हुआ है मैं अपने घर में आई हूँ, और इसी उम्मीद के साथ आई हूँ कि मोदी जी ने जब ये सपना साकार किया कि अब हम लोगों को अपना मालिकाना हक मिलेगा, तो हम भी 20 साल से रेंट पे रह रहे थे और पहली बार मैंने दिल्ली में अपना घर लिया कि अब मेरा भी घर में रजिस्ट्री हो जाए। एक तमगा, एक दंश, एक दाग हमारे दामन पे ये लगा हुआ था कि हम अनौथराइज कॉलोनी में रहते हैं, जिसकी वजह से कोई बैंक हमें फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं था। चाहे हमने अपना मकान तक गिरवी रखने की एक बात रखी थी कि हम अपना मकान गिरवी रख करके उस वक्त कोहली की जो फीस सिर्फ 8,500 रुपये हुआ करती थी तो वो पे कर सके ताकि मैं आगे पढ़ाई कर सकूं। मेरे पिताजी ने वो दंश हमने झेला है, अनौथराइज कॉलोनी का जो दाग है वो हमने बहुत लंबे पीरियड तक उठा करके अपने कंधों पर लेकर के चले हैं। आज हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना अच्छा निर्णय लिया।